आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर सवाणी, जहां पर मैं ट्रैवलिंग के वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आज हम जाने वाले श्री सोने की द्वारका पावन धाम की मुलाकात लेने वाले हैं, जो बेट द्वारका में आया हुआ है। अभी हम ओखा फेरी ब्रिज पहुंचे हैं, जहां से हम बेट द्वारका जाने वाले हैं। यहाँ से आपको बेट द्वारका जाने के लिए यहाँ से आपको बोट मिल जाएगी। बोट के द्वारा आप बेट द्वारका जा सकते हो। आइए चले चलते हैं बेट द्वारका। ओखा आने के लिए अहमदाबाद से आपको 265 किलोमीटर होता है। अगर आप द्वारका से आ रहे हो तो 30 किलोमीटर होता है। ओखा आने के लिए आपको रेलवे से आ सकते हो, गुजरात ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो, या फिर प्राइवेट व्हीकल लेकर आ सकते हो। ओखा आने के बाद आपको बेट द्वारका जाना पड़ेगा, जो 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के लिए आपको बोट में ही जाना पड़ेगा, आप अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते। ओखा से बेट द्वारका के 20 रुपये लेते हैं। अभी हम बेट द्वारका के फेरी ब्रिज पर पहुँचे हैं। वहाँ से आप सोने की द्वारका पैदल ही जा सकते हो। सोने की द्वारका द्वारका मंदिर के पास ही आई हुई है, तो द्वारका के मंदिर के दर्शन के बाद आप सोने की द्वारका देख सकते हो। आइए तो चलिए सोने की द्वारका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों, आप बेट द्वारका आ रहे हो तो बेट द्वारका के थोड़े आगे जाओगे कि सोने की द्वारका आएगी, जहाँ जाना मत भूलिएगा। बहुत ही बढ़िया प्लेस है, म्यूजियम जैसा ही है। वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ आपको भगवान की देखने को मिल जाएगी। पूरा सोने का, जैसे सोने की नगरी है वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। वो जिसकी टिकट चार्ज बताओ तो उसका टिकट चार्ज है 40 रुपये पर पर्सन, उसकी टिकट चार्ज है। तो अब जरूरी इसका विजिट कीजिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखना मत भूलिएगा। आप देख रहे हो सोने की द्वारका पावन धाम का गेट, ये पूरा आप देख रहे हो। यहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं, जहाँ पे आपको लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माता के दर्शन होंगे। कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था जेल में, उसके आप दृश्य देख रहे हो। ऐसे ही दृश्य आपको पूरे सोने की द्वारका में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ है, बहुत सारी घटनाएं है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देख रहे हो पालकी में जाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान के सारे घटनाओं के बारे में मूर्तियाँ है, जिसके आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो जो कृष्ण भगवान ने मासी पुत्र का वध किया था, उसका आप दृश्य देख रहे हो। यहाँ पे कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और यहाँ पे उसके दोस्त और गाय वो बांसुरी सुन रहे हैं, उसका दृश्य आप देख रहे हो। ऐसे ही म्यूजियम में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, घटनाएं हैं जो इसी तरह दर्शाई हुई है। यहाँ आप देख रहे हो मटकी से माखन उतार रहे हैं। आप देख रहे हो कंस का वध करते हुए ऐसी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे साधुओं की भी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। Thank you.
दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। ये आप राधा कृष्ण की मूर्ति देख रहे हो आपके सामने है। ये संगीतनी आश्रम के दृश्य है। आप देख रहे हो गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण भगवान ने उठाया हुआ था, इसकी आप घटना के बारे में दृश्य। अब यहाँ से हम बीच में अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो दरवाज़ा पूरा सोने का हो वैसे ही हूबहू बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो तो स्नेक नाक पर लेटे हुए है। आपको और भी घटनाओं के बारे में यहाँ पे मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी।
बहुत ही बढ़िया मूर्तियाँ यहाँ बनाई हुई है, वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां देख रहे हो। Thank you.
अगर आपको सोने की द्वारका पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर कर दिए, ठीक है, नीचे वीडियो के नीचे। और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।